Bill Cut. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण खेल नियंत्रण बोर्ड है उसकी तरफ से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है NR स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 22-23 के लिए है। इस वीडियो में हम आपको जो है इस जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देंगे। आप बिना स्किप करे वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और समझें कौन कौन इसमें एलिजिबल है और कौन इसमें जो है फॉर्म फिल कर सकता है, कौन से साइट से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगी एंड लास्ट डेट क्या है, एज ग्रुप क्या है, कौन से प्लेयर्स जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खिलाड़ियों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है, ठीक है, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसका। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू अवार्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप टू प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर विथ ए व्यू टू इन्हेंसिंग स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अस अल्सो इनकरेजिंग यंग टैलेंट। जो वर्ष 2022-23 में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम है 2022-23 की, इस योजना का जो उद्देश्य है वो होनहार युवा खिलाड़ियों को AAI में खेल मानकों को बढ़ाने के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है छात्रवृत्ति प्रदान यहाँ पर करेगी। ये जो संस्था है ये स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पर छात्रवृत्ति देगी। एज ग्रुप क्या है, तो द स्कॉलरशिप विल बी अवेलेबल टू द स्पोर्ट्स पर्सन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 से 24 साल, जो एज है यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, 14 से कम नहीं होना है एज और 24 से ज़्यादा नहीं होना, और 31/3/2022 इस डेट से पहले पहले जो है ये जो डेट है 31/3/2022 31 मार्च 2022 इस आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपकी ये 14 से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे आगे है 31/3/2022 से और आपकी एज 24 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। तो सभी स्पोर्ट्स पर्सन, सभी स्पोर्ट्स प्लेयर की जो डेट ऑफ बर्थ है एज ग्रुप के लिए वो 3 मार्च 2022 से पहले आपकी होना चाहिए। अब देखते हैं गेम कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर द ओपन कैटेगरी। आप सभी को पता है कि गेम्स ओपन भी होते हैं, ठीक है, तो ओपन में कौन कौन से गेम इसमें मान्य हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस, कैरम, फुटबॉल, खो खो, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। कैटेगरी में बैडमिंटन के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड है, बास्केटबॉल में ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, क्रिकेट में ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, चेस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं स्कॉलरशिप, और कैरम में भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, फुटबॉल में ओनली फॉर बॉयज़, खो खो में ओनली फॉर गर्ल्स के लिए हैं एंड टेबल टेनिस में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं एंड वॉलीबॉल में ओनली फॉर बॉयज़ के लिए हैं। क्राइटेरिया की यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लेयर हु हैव रिप्रेजेंट इन सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्कूल गेम्स इन 19-22 एंड ऑनवर्ड्स। अगर आपने जो जूनियर सीनियर्स टूर्नामेंट होते हैं, सब जूनियर, नेशनल चैम्पियनशिप, या फिर अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में या फिर स्कूल से नेशनल खेला है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। ये गेम होना चाहिए, यहाँ पर जो गेम दिए गए हैं इन गेम में से आपका कोई एक गेम होना चाहिए। कैटेगरी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और ये क्राइटेरिया है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। नोट यहाँ पर दिया गया है, नो अदर गेम विल बी इंटेंट अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम। इन गेम के अलावा बाकी अगर आपका कोई गेम है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें फोर्थ नंबर पे है, वापस इसमें दिया गया है गेम कैटेगरी एंड क्राइटेरिया
फोर वर्ल्ड ऑफ एआई एम्प्लॉय गेम्स में ऑल रिकॉग्नाइज्ड गेम्स सभी गेम के लिए हैं। कैटेगरी में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं। क्राइटेरिया सेम क्राइटेरिया है इसका और इसका, ठीक है। आपका जो है सब जूनियर जूनियर सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स या फिर नेशनल स्कूल गेम्स 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स। बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में ओपन कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप की संख्या जो 97 है और वर्ष 2022-23 के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 20 से अधिक नहीं होगी, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है, ठीक है। 24 वर्ल्ड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022-23, ये नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है। नीचे है इसमें अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानना जरूरी है आपको। अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो ऑब्वियसली आप ज़रूर सोचेंगे कितनी स्कॉलरशिप इसमें इस स्कीम के थ्रू आपको मिलेगी। तो द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप टू बी ग्रांटेड टू द अवार्डीज विल बी अस अंडर एज ग्रुप, तो ओवर 14 यहाँ पर दिया गया है एज ग्रुप ओवर 14 ईयर एंड अंडर 18 ईयर और ओवर 18 ईयर्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप पर मंथ आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर 14 के ऊपर आपकी एज है तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और अगर आपकी एज 18 के ऊपर है तो आपको 16,000 पर मंथ यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपको ये पर मंथ स्कॉलरशिप मिल रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से तो कब तक मिलेगी ये। तो स्कॉलरशिप विल बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये स्कॉलरशिप ओनली 1 साल के लिए मान्य रहेगी, ठीक है। इसमें आगे दिया गया कंडीशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, कुछ शर्तें हैं इस स्कॉलरशिप की, ठीक है। और क्या शर्तें हैं, तो बहुत सारी शर्तें इसमें दी गई है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें कंडीशंस फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वर्ड्स, जो एयरपोर्ट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी यहाँ पर कंडीशंस हैं और सिलेक्शन की प्रोसेस इसमें दी गई है। इसके बाद एप्लीकेशंस आवेदन की प्रोसेस इसमें दी गई है, आपको आवेदन कैसे करना है तो ये हम अभी आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में हम आपको बता दें, जो चयन निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा। जितने भी फॉर्म रिसीव करेंगे वो लोग, उन पर जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो कमिटी है वो लोग उन पर विचार करेंगे, ठीक है। और प्रतिभावान खिलाड़ियों के मामले, जो छात्र नहीं है, कोई खिलाड़ी है लेकिन वो स्टडी नहीं कर रहा है तो भी मतलब उसको छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशंस हैं, कंडीशंस में ऑल कंडीशन हमने नहीं बताई है आपको। अगर आप चाहते हैं कि सभी कंडीशन हम आपको बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है हमें इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उपरोक्त शर्तों के तहत कवर किए गए सभी विशेष योग्यता मामलों पर अध्यक्ष AFI के अनुमोदन से विचार किया जाएगा। ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा किसको स्कॉलरशिप देना है किसको नहीं देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन है, एप्लीकेशंस यानी का आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान से देखें थोड़ा, ठीक है। तो आवेदन विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन, एक लिफाफा लेना है आपको, यहाँ पर दिया गया है 13.5x9.5 इंच का, जिसमें जो है अपेक्षित संलग्न के साथ जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो आपको उसमें लगाना है तथा निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना चाहिए और जिसके बाईं तरफ, ठीक है, जो लेटर रहेगा उसके बाईं तरफ आपको AAI स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम 2022-23 इसको बड़े अक्षर में लिखना है कॉर्नर में, ठीक है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। साथ ही बाहरी लिफाफे का जो कोना है उसके नीचे दिए गए पते पर, ये पता है, इस पते पर कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है इसकी, ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होंगे, ठीक है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए,
तो आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। और ये एड्रेस है, क्या है एड्रेस? श्री जी एल वर्मा, जेफ जनरल मैनेजर HR एंड सेक्रेटरी AI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, राजीव गांधी भवन, एविंग रूम C-208, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सफदर जंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। और ये पिन कोड नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस एड्रेस पर जो है आपको आवेदन करना है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सभी खिलाड़ियों, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी स्पोर्ट्स पर्सन, सभी प्लेयर्स, सभी को जो है ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। नए हैं अभी चैनल पर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, गेम्स, टूर्नामेंट एंड फिजिकल एजुकेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड ऑल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में जय हिंद लिखें सभी स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है? और इसी तरह मिलते हैं कोई नई वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।